हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, बीटीएसटी जो ट्रेडिंग होती है वो बंद हो चुकी है और अब आपको क्या करना होगा। जब आप सेल ट्रेड करोगे तो पूरा पैसा देना होगा। एनएससी ने सर्कुलर जारी किया है किस प्रकार का, जो आपको यहाँ पे 80% आपका ब्लॉक आपको पैसा मिलता था, 20% ब्लॉक होता था, उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बीटीएसटी ट्रेडिंग करने वालों के लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करना है। 5 to 6 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर एवरी डे मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ में आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाता है, इंट्राडे की कॉल्स दी जाती हैं और इंट्राडे के अंदर जो न्यूज़ आती हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ये पूरे वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस और प्रोफेशनल ट्रेडिंग पे बेस्ड है। तो बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, आप इनको नोट कर सकते हो और इनके हिसाब से काम कर सकते हो। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये देखो सर्कुलर है एनएससी का, 14 जून को यहाँ पे सर्कुलर जारी कर दिया गया था। और बीटीएसटी होते हैं जो, आपको अगर नहीं पता है तो बाई टुडे सेल टुमारो, ये मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आज 24 मई है या फिर कोई भी डेट मान लीजिए, आज जैसे अभी चल रही है, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 17 जून चल रहा है, ठीक है। मैं आज कोई शेयर बाइंग करता हूँ तो वो होता है ट्रांजैक्शन डे, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी शेयर 1,00,000 रुपये के यहाँ पे मैंने बाइंग कर लिए, ठीक है। 1,00,000 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन डे को मैंने क्या किया, 1,00,000 के शेयर बाइंग कर लिए। अब ट्रांजैक्शन डे का जो नेक्स्ट वाला डे है, ठीक है, जैसे 18 जून होगा यानी पी, तो उसको बोलते हैं T+1, ट्रांजैक्शन डे प्लस वन डे, ठीक है। उसको मैं क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ और पूरे 1,00,000 रुपये के ही सेल करता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या होता था, BTST होता था, यानी कि मैंने बाइंग किया, आज बाइंग किया और कल मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। इसको बोलते थे BTST, बाई टुडे सेल टुमारो। अब तक क्या होता हुआ रहा था, पहले तो उससे पहले तो क्या होता था कि 1,00,000 रुपये के शेयर आप बाइंग किए तो 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा, और 1,00,000 रुपये के शेयर सेल किए तो 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाता था, उसी दिन आ जाता था, ठीक है। उसको बोला जाता था EPI, ठीक है, EPI अर्ली पे इन, और ये ब्रोकर है वो दे देता है आपको, मतलब उस पैसे का आप ट्रेडिंग भी कर सकते थे। अब तक ये होता हुआ रहा था बहुत पहले से, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे रूल चेंज कर दिया था, और यहाँ पे अब जो पहले आपको पूरा का पूरा 1,00,000 मिलता था, उसके अंदर से आपको क्या कर दिया था कि आपको 1,00,000 रुपये का शेयर बेचा तो आपको 80 के यानी 80,000 मिलेंगे, और 20,000 रुपये है वो आपका मार्जिन ब्लॉक हो जाता था अप फ्रंट मार्जिन। तो यहाँ पे 20,000 रुपये ब्लॉक होते थे, लेकिन फिर भी आपको 80 के प्रोवाइड हो जाता था जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते थे, ये इस प्रकार का नियम था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, वो 80 के था वो EPI के थ्रू होता था, अर्ली पे इन होता था, ठीक है, ब्रोकर है वो पेमेंट करता था, ये चीज़ था। अब यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया है, उसके अंदर साफ कह दिया है, साफ मना कर दिया है, एज पर NSE सर्कुलर क्रेडिट फॉर सेल CFS बेनिफिट फॉर फर्दर ट्रेड कैन बी अलाउड ओनली आफ्टर शेयर एम्बार्क फॉर अर्ली पे इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अर्ली पे इन के लिए जो शेयर हैं वो यहाँ पे रिमार्क में डाले जाएंगे, यानी नोटिफाई किए जाएंगे या उस लिस्ट के अंदर डाले जाएंगे कि इन शेयर्स के अंदर आप EPI कर सकते हो, ठीक है, ब्रोकर्स को ये कहा जाएगा, उन शेयर्स के अंदर आप ट्रेडिंग BTST करते हो तो उन शेयर्स के अंदर आपको यहाँ पे अभी तक का जो रूल है वो लागू रहेगा, आपको उतना 80% मार्जिन मिल जाएगा और आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जिन शेयर्स की उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं होगा या जिन शेयर्स को लिस्ट के अंदर से बाहर कर दिया जाएगा, तो उन शेयर्स के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर पैसे शेयर बेचने पर भी नहीं देने वाला, बेचने के बाद में जब सेटल होगा तब आपको मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे EPI के थ्रू मिलता था वो, मैं एग्जांपल से समझाऊँ, अगर जैसे मान लो कि ABC का कोई शेयर आपने परचेज किया 1,00,000 रुपये का, मंडे को आपने कोई शेयर परचेज किया, वो ट्रेडिंग डे होता था, ठीक है, तो आपका 1,00,000 रुपये कट गया। नया जो सिनेरियो होगा उसमें भी सेम ही चीज़ होगी, आपका 1,00,000 रुपये कट जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने ABC कोई शेयर है उसको यहाँ पे बेच दिया T+1 डे, यानी ट्यूसडे को बेचा, मंडे को बाइंग करके ट्यूसडे को बेचा, ठीक है, तो आपका क्या होता था अब तक का करंट सिनेरियो में, 80 के आपका क्रेडिट फॉर सेल आ जाता था, ठीक है,
या आपने आपने सेल किया तो 80,000 है वो आपके क्या हो जाता था, क्रेडिट हो जाता था और उसका यूज़ आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते थे या दूसरा शेयर आप बाइंग करके कैश के अंदर भी लेके जा सकते थे। लेकिन अब जब ये शेयर्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर से बाहर हो जाएंगे या फिर ऐसे शेयर्स होंगे जो इस लिस्ट के अंदर होंगे ही नहीं, तो उन लिस्ट जो उन शेयर्स के ऊपर आप क्या होगा, आपको बेचने पर भी आपका पैसा है वो नहीं मिलेगा, आपको जीरो रुपये ही मिलेगा जब तक सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, वैसे जीरो नहीं होगा, आपका पैसा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन वहां पे जब सेटलमेंट होगा उसके बाद में ही आपको क्रेडिट होगा, आपको अर्ली पे इन नहीं होगा, ब्रोकर है वो अर्ली पे इन नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गई, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप और ट्रेडिंग कर सकते हो या BTST कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं आज इस शेयर को बेच देता हूँ, मेरा इसका अंदर टारगेट आ गया है और मैं इनके जो पैसे मिलेंगे उससे अभी जो दूसरा शेयर मुझे अच्छा लग रहा है उसके अंदर मैं बाइंग कर लेता हूँ, तो आपको नहीं होने वाली, वहाँ पे आपका पैसा वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं, सेलिंग पे तो मिलेगा ही नहीं, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं है। तो ये जो नियम है ये चेंज हुआ है, तो अब आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस प्रकार का रूल चेंज हुआ है। अब यहाँ पे मैं डेट बता देता हूँ कि कब से होने वाला है, द डेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन सेल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। अभी इसकी डेट है वो यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर ये डेट है वो आ जाएगी। और ये जो आपको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है ये एंजल वन जो एंजल ब्रोकिंग है उसने ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स को सबको सेंड कर दिया है ताकि वो आगे से ध्यान रखें और ये ना समझें कि अपन सेल करने पे पैसा आ जाएगा, मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा। अगर आपने ये गलती कर दी, आपने शेयर सेल कर दिया या फिर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ और आप सोच रहे हो कि मैंने शेयर सेल कर दिया और सेटलमेंट हो जाएगा मेरा रात में तो मेरे को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो आप ये गलती मत करना क्योंकि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है वो पीक मार्जिन के अंदर ही काउंट होगा, तो आपका पेनल्टी भी लग सकता है। तो आपके पास पैसे हैं क्या करना होगा, आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर आपके सेल करने पे जीरो बैलेंस दिखा रहा है तो आपको डरना भी नहीं है, वो सेटलमेंट होने पे आ जाएगा, तो जब आपके पास पैसे हों तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।